तो नाम में क्या रखा है, बात करते हैं काम की। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बी एन से वीडियो को क्रॉप कैसे करें। अगर आप भी अपनी किसी वीडियो को क्रॉप करना चाहते हैं तो सीखने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैंने ओपन कर लिया है बी एन वीडियो एडिटर। अगर आपके पास नहीं है, आपने प्ले स्टोर में जाना है, सर्च करना है, इसे इंस्टॉल कर लेना है। जहाँ इसके नाम और आइकन की कर लीजिए पहचान, इसे इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करना है। वीडियो को क्रॉप करने के लिए आपने यहाँ नीचे जो प्लस का आइकन बना हुआ है इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कीजिए। अब जहाँ आपके मोबाइल की गैलरी में जो भी वीडियोस हैं वो यहाँ पे दिखाई जाती हैं, जिस वीडियो को क्रॉप करना चाहते हैं, ठीक है, उसको सिलेक्ट करना है। हर वीडियो के ऊपर एक सर्कल बना हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए, वो सिलेक्ट हो जाएगी। यहाँ मैंने ये वाली सिलेक्ट की। उसके बाद यहाँ नीचे जो आइकन बना हुआ है इस पर क्लिक कीजिए। अब जो वीडियो आ चुका है बी एन वीडियो एडिटर के अंदर, ठीक है ना, अब इसको क्रॉप करने के लिए क्या करना है, नीचे देखिए, नीचे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं और यहाँ आपको क्रॉप का ऑप्शन भी मिलता है, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं। देखिए, आप अपने वीडियो को किस चीज़ पे अपलोड करना चाहते हैं, अगर इंस्टा पे तो यहाँ इंस्टा का साइज भी है, यूट्यूब पे डालना है तो ये वाला क्लिक कीजिए, ठीक है, और इसको सेट कर लीजिए। अगर इंस्टा पे डालना है, अगर टिकटॉक पे डालना है तो ये टिकटॉक वाला है। और अगर आप ऐसे ही क्रॉप करना चाहते हैं, ये साइज सेलेक्ट नहीं करना चाहते, तो ओरिजिनल पे क्लिक कीजिए और अपने हाथों से इसे जूम कीजिए। जो जो लाइन के अंदर है उतना वीडियो रह जाएगा, जो बाकी जो साइड में बचा हुआ है वो कट हो जाएगा, वो क्रॉप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ नीचे ओके कर दीजिए, यह वीडियो क्रॉप हो चुका है। अब इस वीडियो को सेव करना है। सेव करने के लिए एक्सपोर्ट पे क्लिक कीजिए राइट साइड ऊपर, जहाँ पे या क्वालिटी वगैरह सेलेक्ट करनी होती है वो आप अपने हिसाब से कर लीजिए और ओके कीजिए। नीचे देखिए परसेंटेज चलने लगा है, 0 से 100 तक होता है, इसे कंप्लीट होने दीजिए। ये 100 तक कम्प्लीट हो जाता है। उसके बाद जहाँ आपको दो ऑप्शन नीचे और मिलते हैं, जहाँ अपनी सेव टू गैलरी पे, सेव टू गैलरी, सेव टू एल्बम, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही ये आपके मोबाइल की गैलरी में चला जाता है। वीडियो अच्छा लगा लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो।